टुडे वी विल डिस्कस अबाउट इट, हाउ टू यूज इट एंड हाउ कैन वी यूज इट। लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। इट का प्रयोग जनरली पर्सनल प्रोनाउन की तरह यूज करा जाता है इसको, और अगर हम इसके सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बात करें और प्रपोजिशन की बात करें तो ऑब्जेक्ट की तरह भी इसको यूज़ करा जाता है। जैसे इट का सही यूज़ इंग्लिश स्पीकिंग में बहुत कम लोगों को जानकारी होती है, लेकिन इसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहता है। आज हम इट के कुछ स्ट्रक्चर की बात करेंगे और बताएंगे हाउ टू यूज़ इट। इट प्लस वी फॉर्म प्लस नाउन एंड प्रोनाउन। लेट्स टेक सम एग्जांपल। जैसे मैं हूँ का सेंटेंस क्या होगा? इट इज़ मी और इट इज़ आई। इट इज़ मी और इट इज़ आई, बोथ इज सो मैं हूँ। मैं था, इट वॉज हिम, इट वॉज ही। राम है, इट इज़ राम। रमेश था, रमेश, इट वॉज रमेश। सरला थी, इट वॉज सरला। सुबह है, इट इज़ मॉर्निंग। रात है, इट इज़ नाइट। अंधेरा है, इट इज़ डार्क। बहुत अंधेरा है, इट इज़ वेरी डार्क। बहुत अंधेरा था, इट वॉज वेरी डार्क। 7 बजे हैं, इट इज़ 7। बाहर बहुत ठंड है, इट इज़ वेरी कोल्ड आउटसाइड। सर्दी है, इट इज़ विंटर। ठंड है, इट इज़ कोल्ड। आज बहुत गर्मी है, इट इज़ वेरी हॉट टुडे। सो यू रिमेंबर वन थिंग, इट इज़ मी एंड इट इज़ आई, विच इज़ आई सेड इन फर्स्ट सेंटेंस बिफोर सम टाइम। इन दोनों सेंटेंस में आपको अगर हम कुछ डिफरेंस बताएं तो इनमें ग्रामेटिकली के अकॉर्डिंग इट इज़ आई जो है उसको करेक्ट सेंटेंस माना जाता है। व्हाट इट इज़ मी इज़ मोस्ट पॉपुलर इन आवर टुडेज लाइफ स्टाइल जनरेशन। दैट्स वाई इट इज़ मी इज़ मोर स्पोकन बाय द पब्लिक। दोनों को करेक्ट माना जाता है, बट इट इज़ आई इज़ ग्रामेटिकली करेक्ट, इट इज़ आई है। लेट्स टेक सम मोर स्ट्रक्चर ऑफ रिलेटेड टू इट। इट प्लस वी फॉर्म प्लस वर्ब प्लस नाउन प्रोनाउन प्लस क्लॉज। नाउ लेट्स टेक सम एग्जांपल। जैसे यह वह था जो वास्तव में दोषी था। यह वह था जो वास्तव में दोषी था। इट वॉज ही हु वॉज रियली गिल्टी। इट वॉज ही हु वॉज रियली गिल्टी। यह वह है जो जिम्मेदार है। इट इज़ ही हु इज़ रिस्पॉन्सिबल। यह वह है जिसने पर्स चुराया है। यह वह है जिसने पर्स चुराया है। इट इज़ ही हु इज़ स्टोलन द पर्स। यह राम था जिसने हमारी सहायता की। इट वॉज राम हु हेल्प अस। यह सुरेश था जिसने वास्तव में किताब लिखी। इट वॉज सुरेश हु रोट द बुक। लेट्स टेक सम अनदर एग्जांपल एंड लेट्स टेक एंड चेंज स्ट्रक्चर ऑफ इट, विच इज इट प्लस वी फॉर्म प्लस वर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन एंड इन्फिनिटिव। लेट्स टेक सम एग्जांपल। तुम्हारे साथ यहाँ बैठना बहुत खराब लगता है। इट इज़ वेरी बैड टू सिट हेयर विद यू। उन्हें बर्बाद करना कितना करुणामय है।
इट्स अ पिटी टू बेस्ट यू, टू बेस्ट उन्हें मतलब डैम का यूज होगा। सब चीज़ें समय पर तैयार करना मुश्किल था, इट वॉज डिफ़िकल्ट गेटिंग एवरीथिंग रेडी ऑन टाइम। उनको शिकायत करने का कोई लाभ नहीं है, इट्स नो यूज कंप्लेनिंग टू देम। तुम्हें यहाँ मिलना अच्छा है, इट्स नाइस मीटिंग यू हेयर। टुडे इसके लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द लाइक बटन। थैंक यू। बी नॉट अफ्रेड ऑफ गोइंग स्लोली, बी अफ्रेड ओनली ऑफ स्टैंडिंग स्टिल। थैंक यू। आज के लिए इतना, धन्यवाद।